नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां 3 दिवसीय सियाल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहां दोस्तों देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया है इस एग्जीबिशन में, और खाने पीने से लेकर के अनेकों ब्रांड प्रमोशन के रूप में लगाई गई हैं। आइए कुछ कंपनियों के मालिक से, उनके प्रमोटर से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं अपने कंपनी के बारे में और इस एग्जीबिशन के बारे में। दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय सियाल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, और इस एग्जीबिशन में भारत ऑर्गेनिक एंड डेयरी प्रोडक्ट का स्टॉल भी लगा हुआ है, और भारत ऑर्गेनिक की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं भारत ऑर्गेनिक और इस एग्जीबिशन के बारे में। सर, आप सभी का ANS मीडिया में स्वागत है। क्या कहेंगे सर, आपका शुभ नाम सर? अंशित अग्रवाल जी। क्या कहेंगे सर अपने कंपनी के बारे में? जी, हम बेसिकली देसी घी में डील करते हैं, देसी घी और काऊ घी में। तो हम अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं, जैसे अगर किसी को अपने ब्रांड में चाहिए हो तो हम उनको उनके ब्रांड में भी देते हैं, और अगर किसी को हमारा ब्रांड लेना हो तो हमारा ब्रांड आता है अष्टविनायक, तो हम अष्टविनायक भी के लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एका इंस्टीट्यूशंस ये सब देख रहे हैं। एग्जीबिशन में सर अनुभव किस तरह से रहा, और एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है सर, गैदरिंग किस तरह की है? एग्जीबिशन का अनुभव हमारा अच्छा रहा है। हम पिछले जब से सियाल चालू हुआ है तब से सियाल के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया में जब से चालू हुआ है तब से हम जुड़े हुए हैं सियाल के साथ, और इस बार भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। धन्यवाद सर। नाम सर? सिद्धार्थ गोयल जी। सर, क्या कहेंगे अपने कंपनी के बारे में? जी, भारत ऑर्गेनिक डेयरी ऑर्गेनिक से बारे में बताना चाहूँगा कि कंपनी हमारी 2015 से है, और हम लोग देसी घी, काऊ घी, A2 काऊ घी मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वाइट लेबलिंग भी करते हैं हमारी कंपनी, और इसी को देखते हुए हम लोग सियाल आते हैं। सियाल में हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है हर साल, और इस साल भी हर साल की तरह बहुत ही अच्छे विजिटर्स आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि और बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। सर, आज अगर देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट और आयल की बहुत सारी कंपनियां आ गई है। आप जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में उतारा है, तो लोगों का प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में अंतर क्या है, और ख़ास करके मिक्सिंग की एक बहुत बड़ी समस्या आती है सर, तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्योरिटी इज़ आवर प्रायोरिटी, और ट्रांसपेरेंसी से हम लोग वर्क करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो भी 100% ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, और 100% ऑटोमेटिक प्लांट है, तो यही हमारा USP है, और इसी वजह से लोग हमारे को याद करते हैं। इस सियाल का अनुभव किस तरह का रहा सर? सियाल का जैसे मैंने बताया, अनुभव हमेशा से अच्छा रहा है, और इस साल भी पिछले सालों की तरह अच्छे विजिटर्स आए हैं, बड़े अच्छी इंक्वायरीज हैं हमारे पास, और उम्मीद करते हैं बिजनेस ग्रोथ करेगा। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? अविनाश अग्रवाल। क्या कहेंगे सर भारत ऑर्गेनिक के बारे में? भारत ऑर्गेनिक्स के बारे में एज ए फाउंडर मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी शुरू से विज़न यही रही है कि हम हमेशा सामान वही बनाएंगे जो हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अगर हम अपने बच्चे को वो सामान नहीं खिला सकते तो हम वो चीज़ हमेशा कभी भी नहीं बनाएंगे। तो इसी विज़न के साथ हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है अगले साल आप देखें और कंपनी ग्रोथ करेगी और आगे जाएगी। नई कमांड हमारे नए बच्चों ने संभाल लिया, और तरक्की करेंगे। धन्यवाद सर। ANS मीडिया से बात करने के लिए और भारत ऑर्गेनिक के बारे में जानकारी देने के लिए और इस सियाल के बारे में जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।